Hello friends, welcome to my channel Simply Stocks, and today I'm going to talk about the relationship between Nifty and the global indices. So let's get started. First of all, a disclaimer that this is not a stock recommendation, and people taking any position into any stock that I talk about should do with their own due diligence and research. तो आज मैं बात करने वाला हूँ निफ्टी के बारे में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और उसका क्या रिलेशन है अलग अलग इंडेक्सेस से, यूएस का स्टॉक एक्सचेंज हो, यूरोपियन इंडेक्सेस हो या फिर एसजीएक्स निफ्टी हो। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि एसजीएक्स निफ्टी क्या है, तो पहले इसी पे आते हैं। निफ्टी का जो प्री ओपन है वो 9 बजे से शुरू होता है, 9 से 9:15 तक प्री ओपन सेशन होता है, जिसमें कलेबरेट किया जाता है, कैलिब्रेट किया जाते हैं वैल्यूज़, या यूं कह लीजिए नंबर्स हर एक स्टॉक के। तो स्टॉक वैल्यूज़ कलेबरेट और कैलिब्रेट किए जाते हैं इन 15 मिनट में टू कम टू अ पर्टिकुलर स्टॉक लेवल। और ये होता है ग्लोबल इंडाइसेस के हिसाब से, जो पिछली रात जो ट्रेड्स लिए गए हैं, शाम को जो ट्रेड्स लिए गए हैं उन स्टॉक्स में, जो कि वर्ल्ड ओवर अब लोग जो है इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो लोगों ने जो यूएस से ट्रेड्स लिए हैं या इंडियन इंडियन एरिया से भी जिन लोगों ने ट्रेड्स शाम को लिए हैं, वो सारे ट्रेड्स एक तरीके से कोलैट किए जाते हैं और उसके बाद एक वैल्यू पे हर एक स्टॉक आता है 9:12 तक, 9:10 से 9:12 तक एक फाइनल रेट्स स्टॉक मार्केट के आते हैं और ये प्री ओपन रेट्स कहलाते हैं। और नॉर्मल ट्रेड स्टार्ट होती है 9:15 से 3:30 तक इंडियन टाइम के हिसाब से। एसजीएक्स निफ्टी जो है वो है सिंगापुर बेस्ड निफ्टी स्टॉक्स का एक जमावड़ा, आप इस तरीके से कह लीजिए। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई स्टॉक ट्रेडर है जो कि इंडिया के बाहर है, इफ़ दे वांट टू ट्रेड इनटू इंडियन स्टॉक्स और इंडियन स्टॉक मार्केट, दे डू इट थ्रू द एसजीएक्स निफ्टी। देर आर मैनी प्लेयर्स आउटसाइड इंडिया हु आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इनटू द इंडियन स्टॉक मार्केट, सो दे टेक द रूट ऑफ सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज टू ट्रेड इनटू इंडियन स्टॉक्स, एंड दैट इज़ थ्रू द एसजीएक्स निफ्टी। और दैट ट्रेड्स बिटवीन 6:30 इन द मॉर्निंग टिल 11:30 एट नाइट, सो देर इज़ अ ग्रेटर लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन बिकॉज द टाइम इज ग्रेटर इन दिस सेंस। इट कंटिन्यूज टू ट्रेड फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग इंडिया टाइम टिल 11:30 इन द नाइट, एंड सो द रेट्स आर ऑलवेज देयर फॉर एवरी वन टू सी। And when the market opens at 9 a.m. or 9:15 a.m. on the next day, it takes into consideration all the trades that have taken place on the SGX Nifty. So it has direct link to the opening levels of the Nifty and the Sensex on the next day. आगे अगर हम बात करें European indices की, तो ये खुलते हैं 12:30 बजे नॉर्मली इंडियन टाइम के हिसाब से। जो मेजर इंडाइसेस हैं यूरोप के वो हैं कैक, डैक्स और फुटसी। कैक जो कि एक फ्रेंच इंडेक्स है पेरिस में बेस्ड, डैक्स जो कि जर्मन इंडेक्स है, और फुटसी फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज जो कि एक ब्रिटिश स्टॉक एक्सचेंज है, एक बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और इनमें कोई भी मूवमेंट होती है, कोई भी बातें पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली होती हैं जो भी जर्मनी में, इंग्लैंड में या फ्रांस में, उसका असर इंडियन इंडाइसेस पे पड़ता है डायरेक्टली, बट द इफ़ेक्ट इज़ लेसर कंपेयर टू व्हाट हैपेंस इन द यूएस, और उस पर अभी मैं आऊँगा। डाउ जोन्स के मूवमेंट से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है निफ्टी और सेंसेक्स के मूवमेंट पे रादर देन यूरोपियन इंडाइसेस के। लेकिन जिस तरीके से ब्रेक्जिट का इशू हुआ आपने देखा था पिछले साल, और बाकी इलेक्शंस अगर आप कह लें जर्मनी में या इंग्लैंड में, अगर कोई रिजल्ट्स जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उसका बिल्कुल उलट आता है, तो फिर उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है इंडियन इंडाइसेस पे भी। अब आते हैं यूएस और अमेरिकन मार्केट्स पे और उसका इम्पैक्ट जो इंडियन मार्केट पे होता है। डाउ जोन्स नॉर्मली ओपन होता है 6:30 से 7 बजे के अराउंड,
इंडियन टाइम, और कंटिन्यू करता है ट्रेडिंग 1:30 बजे तक रात के। बहुत से ऐसे इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हैं जो आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप डाउ जोन्स के स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हैं इस वक्त इंडिया में। क्यों हमें ध्यान रखना चाहिए US इंडाइसेस का? क्योंकि इनका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बी इट द इंडियन स्टॉक मार्केट और द जैपनीज, और फॉर दैट मैटर इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एवरीवेयर। और इसलिए काफ़ी ध्यान रखा जाता है US पॉलिसीज़ के ऊपर, US मार्केट्स में मूवमेंट के ऊपर। अगले दिन जिस तरीके से हमारा मार्केट चलेगा, उसका काफ़ी असर जो है वो US मार्केट से भी होता है। मेजर मूव्स लीड टू डीवियंट ओपनिंग पोजिशंस एट निफ्टी। व्हाट दे सजेस्ट इज, सपोज द डाउ इज़ डाउन 300-400 पॉइंट्स, देन द नेक्स्ट डे द SGX निफ्टी वुड बी डाउन एट दैट लेवल। हो सकता है कि SGX निफ्टी नीचे हो और बाद में मार्केट ओपनिंग के बाद इंडियन मार्केट में सेल ऑफ ना हो और बाइंग आए, क्योंकि हो सकता है ये US स्पेसिफिक न्यूज़ के ऊपर ही डाउ गिरा हो। लेकिन काफ़ी बार ये भी होता है कि ग्लोबल सेल ऑफ स्टार्ट होता है US मार्केट्स में कुछ गड़बड़ी के कारण, या US मार्केट्स में गिरावट के कारण ग्लोबल मार्केट्स में भी सेल ऑफ होता है। इस बात से ये आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं कि जैसे मैंने यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम बताई SGX निफ्टी की, और अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो कि पैसिफिक कहलाता है, वहाँ पे मार्केट्स ओपन हो जाते हैं इंडियन टाइम के हिसाब से तड़के 4:30 बजे। तो इस हिसाब से जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं या स्टॉक मार्केट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर ओपन ऑल द टाइम। तो अगर इट्स लाइक अ 24-आवर क्लॉक, अगर इंडिया में क्लोज होता है तो और किसी कंट्री में तब ओपन होने के लिए तैयारी हो जाती है। शाम तक US मार्केट्स ओपन हो जाते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड के मार्केट्स ओपन हो जाते हैं। अब आते हैं FII और DIIs पे। FIIs हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, और DIIs हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे LIC है या फाइनेंशियल हाउसेज हैं जितने भी वो हैं। हुआ क्या है कि फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मिल के मेजर पार्ट बनाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स का। FIIs को जो इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति मिली थी, दे स्टार्टेड ट्रेडिंग फ्रॉम 1992 व्हेन द इंडियन इकोनॉमी गॉट ओपेंड, आई मीन मनमोहन सिंह स्टार्टेड विद एन ओपन इकोनॉमी सिस्टम ऑफ इंडिया। तब लाइसेंस राज इंडिया का ख़त्म किया गया था और काफ़ी ब्रांड्स इंडिया में मार्केटिंग के लिए भी आए थे, और उसके साथ साथ उन्हें IPOs लाने की भी अनुमति दी गई थी। दे वर अलाउड टू ब्रिंग इन IPOs इनटू द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, एंड द स्टॉक एक्सचेंज वाज ओपन फॉर ऑल। और इस तरीके से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में आए। तब से लेके प्रोबेबली अब तक, इवन अभी भी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक मेजर पार्टिसिपेंट हैं इंडिया में, और उनके सेलिंग या बाइंग से मार्केट में हैवी मूवमेंट होता है। लेकिन पिछले 3-4 साल में, जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, और इनफैक्ट पिछले 1 से 1.5 साल में, अब ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है कि DII का काफ़ी स्टेक बढ़ा है इंडियन मार्केट में, और FII का अब उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा है। वॉट इट हेल्प्स इन इज़ लिक्विडिटी। वेन FII एंड DII पुट इन अ लॉट ऑफ मनी, दैट हेल्प्स इन लिक्विडिटी इन द मार्केट, दैट हेल्प्स इन मार्केट डेप्थ, सो पीपल गेट वेरी इजी एग्जिट एंड एंट्री लेवल्स इन टू एवरी स्टॉक। दे कैन ईजली एग्जिट आउट ऑफ द मार्केट बिकॉज दे आर मैनी प्लेयर्स हु वॉन्ट टू बाय द स्टॉक एज वेल एज सेल द स्टॉक एट द सेम टाइम। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है FIIs का किसी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने का, क्योंकि वो कोई 2-4 करोड़ या 10 करोड़ के एक ट्रेड्स नहीं लेते हैं, दैट गोज़ इन टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। एक चीज़ है जो कि 2007 से सुनी जा रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो होती है डीकपलिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। नाउ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, इट इज़ अबाउट हैविंग अ मार्केट विच इज़ सो स्ट्रॉन्ग, द मार्केट ऑफ योर्स इज़ सो स्ट्रॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल द मार्केट ऑफ इंडिया इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट
दैट नो एफआईआई और डी नो एफआईआई ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स और नो मार्केट कैन ट्रबल योर मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, इफ द इंडियन मार्केट इज डूइंग वेल बिकॉज ऑफ इट्स फंडामेंटल्स, देन नो मैटर वॉट हैपन्स इन US और यूरोप और साउथ अमेरिका एंड एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, योर मार्केट विल कीप डूइंग वेल बिकॉज योर इकनॉमी इज़ गुड, और द इंडियन मार्केट विल कीप डूइंग वेल बिकॉज द इकनॉमी इज़ गुड. और ये अभी भी सुनाई दे रहा है कि इस वक्त जैसी पॉलिसीज़ रही हैं गवर्नमेंट की, विच हैज़ बिन प्रो इकोनॉमिक, विच हैज़ बिन प्रो से कॉरपोरेट, उस वजह से इंडिया ग्रो करता रहेगा और स्टॉक मार्केट भी अच्छा चलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस इन US और यूरोप. यही चीज़ आई थी 2007-8 में, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का स्टार्ट हुआ था 2007 के सेकेंड हाफ से. तब भी ये बात आ रही थी कि इंडियन मार्केट तो गिर नहीं रहे थे, और इंडियन मार्केट्स ने गिरना शुरू किया 2008 के बिगनिंग से, जबकि US मार्केट्स में फॉल स्टार्ट हो गया था 2007 के सेकेंड हाफ से. तो डीकपलिंग की बात आ रही थी कि US मार्केट्स में चाहे जो भी हो, हाउसिंग बबल जो फूटा है US में, वो उन्हीं की देन है और उन्हीं पे असर होगा, इंडिया में कोई असर नहीं होगा. लेकिन बाय 2009 वी ऑल केम टू नो व्हाट हैपेंड, एंड द इंडियन मार्केट वाज डाउन अराउंड 70%, विच वॉज कंपेरेबल टू वॉट हैपेंड इन US एंड यूरोप. फिर से वही बात निकल के आ रही है, एंड आई डोंट थिंक दैट एनी मार्केट ऑफ टुडे विद द काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट हैज़ टेकन प्लेस कैन डीकपल इटसेल्फ फ्रॉम अदर मार्केट्स, अदर स्टॉक मार्केट. तो इस बार भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए किसी को कि अगर US मार्केट्स में कोई फ़र्क पड़ता है तो इंडिया में उसका असर नहीं होगा. इंडिया में उसका असर ज़रूर होगा. हर एक बुल मार्केट में, हर एक बुल फेज़ में ये बात ज़रूर आती है कि अब इंडियन मार्केट डिकपल हो चुका है एंड इंडियन ग्रोथ स्टोरी इज़ हेयर टू स्टे एंड एवरीथिंग एल्स, बट वी हैव ऑलवेज अ बेयर फेज आफ्टर अ बुल फेज़. मुझे नहीं पता ये कब ख़त्म होगा बुल मार्केट, लेकिन एक बेयर मार्केट भी ज़रूर आएगा, और उसके और कोई रीजंस होंगे. लेकिन ये डिकपलिंग वाली बात कुछ उतनी सही इसलिए नहीं लगती है क्योंकि जब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो गया है, जब आप कहीं से भी दुनिया में ट्रेड इंडियन मार्केट्स में ले सकते हैं, जब अलग अलग एवेन्यूज़ हैं इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के, तो कोई भी देश अछूता नहीं रहता. नो नो स्टेट इज़ लेफ्ट अनटर्न्ड और नो नेशन इज़ लेफ्ट अनटर्न्ड. तो ये था मेरा वीडियो इंडियन मार्केट्स एंड इट्स कनेक्शन विद द ग्लोबल मार्केट्स. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स वेदर यू लाइक द वीडियो और नॉट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.